हेलो टेंथ क्लास, आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। टुडे वी आर स्टार्टिंग टू रीड आवर इंग्लिश सेकंड लेसन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्लीज लिसन इट केयरफुली एंड आफ्टर देन राइट इन योर नोटबुक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What inauguration does Mandela talk about in this lesson? इस पाठ में मंडेला ने किस इनोग्रेशन की बात की है? He talks about the inauguration of the new government oath taking ceremony in South Africa. उन्होंने इस पाठ में नई सरकार द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण के समारोह के बारे में बात की है। What is apartheid? Apartheid रंग भेद क्या था? Apartheid is a system that separates people according to their race. रंग भेद एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। In which city of South Africa did the inauguration ceremony take place? South Africa के किस शहर में समारोह होने जा रहा था? This ceremony took place in Pretoria. यह समारोह प्रिटोरिया में हुआ। Who was Jenani? Jenani कौन थी? She was Nelson Mandela's daughter. वह Nelson Mandela की लड़की थी। What responsibility was conferred on Mr. D. Clark? Mr. D. Clark को कौन सी जिम्मेदारी दी गई? He was appointed the second deputy president of South Africa. उन्हें साउथ अफ्रीका के दूसरे उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी दी गई। Who was appointed the first deputy president of South Africa? साउथ अफ्रीका के पहले डिप्टी प्रेसिडेंट किसे चुना गया? Thabo Mbeki was appointed the फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति थबो एम्बेकी को चुना गया। हाउ मैनी नेशनल एंथम्स वर संग इन द इनोग्रेशन सेरेमनी? उद्घाटन समारोह में कितने राष्ट्रीय गान गाए गए? ऑन द ओकेजन टू नेशनल एंथम्स वर संग। उस अवसर पर दो राष्ट्रीय गान गाए गए। What comes naturally to the human heart? मनुष्य के मन में प्राकृतिक रूप से क्या होता है? Love comes naturally to the human heart. प्रेम की भावना मानव के मन में प्राकृतिक रूप से आती है। What does Nelson Mandela feel hungry for? नेल्सन मंडेला को किस बात की भूख थी? नेल्सन मंडेला feels hungry for freedom. नेल्सन मंडेला को स्वतंत्रता की भूख थी। Now we read the short answer type questions. Please listen it carefully and after that write in your notebooks. First question is, who attended the फ्रीडम सेरेमनी? आज़ादी के समारोह को किसने अटेंड किया? द फ्रीडम सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 140 देशों के से अधिक प्रतिनिधियों ने और राजनीतिज्ञों ने साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता सेरेमनी को अटेंड किया। व्हाई इज मंडेला
अनेबल टू पे फॉर द सेक्रीफाइसेस ऑफ दिस पीपल। मंडेला अपने लोगों के बलिदानों का भुगतान करने में असमर्थ क्यों है? मंडेला इज अनेबल टू पे फॉर द सेक्रीफाइसेस ऑफ हिज पीपल। मंडेला अपने लोगों के बलिदानों का भुगतान करने में असमर्थ है। इन दिस स्ट्रगल थाउजेंड्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सेक्रीफाइस देयर लाइफ। इस संघर्ष में हजारों की संख्या में अफ्रीका के लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। दे हैड टू सफर अ लॉट। उन्होंने बहुत कष्ट सहे। सिंस द सफर्स आर नॉट देयर टू सी दिस ग्लोरियस डे। आज इस शानदार दिन में उनके इस बलिदानों को देखने के लिए वो जीवित नहीं है। मंडेला इज अनेबल टू पे फॉर देयर सेक्रीफाइसेस फॉर द डे। आज मंडेला उनके बलिदानों का भुगतान करने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज व्हेन ही वाज स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट। जब नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी? व्हेन नेल्सन मंडेला वाज स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट, जब नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, ही प्लेज टू ओबे एंड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने संविधान को मानने की शपथ ली। ही ऑल्सो प्लेज टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। उन्होंने लोकतंत्र में अपने लोगों की भलाई करने की भी शपथ उठाई। हाउ डज मंडेला कंपेयर द ओप्रेसर विद द ओप्रेस्ड। मंडेला उत्पीड़क की उत्पीड़ित के साथ कैसे तुलना करते हैं? उत्पीड़न कौन होता है? जो गुलाम होता है। उत्पीड़ित कौन होता है? जो गुलाम होता है। उत्पीड़क कौन होता है? जो दूसरों को गुलाम बनाता है। मंडेला सेज दैट, मंडेला ने कहा कि देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड, कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित में कोई भेद नहीं होता। बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड। दोनों को ही स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। वन फ्रॉम द चेन्स ऑफ हेटर्ड, एक को नफरत की जंजीरों से आज़ादी की जरूरत है, एंड द अदर फ्रॉम द चेन्स ऑफ द बॉडी, और दूसरे को शरीर की जंजीरों से आज़ादी की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हार्म हैज बीन कॉज्ड बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड। रंग भेद की नीति द्वारा क्या हानि पहुंचाई गई? द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड हैज कॉज्ड अ डेड लॉस टू द नेटिव ऑफ साउथ अफ्रीका। रंग भेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को मरने तक की हानि पहुंचाई। इट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ हेटर्ड अमंग द पीपल। इसने लोगों में नफरत का जहर घोल दिया। इट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड। इसने कभी ना समाप्त होने वाला घाव दे दिया। द नेटिव हैड टू वर्क टुगेदर फॉर ईयर्स टू गेट रिड ऑफ हिज वाउंड। और इस देश के लोगों ने इस बीमारी से या इस बुराई से बचने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। सो द स्टूडेंट्स प्लीज राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।